पल्लवी मैम, पहला सवाल एलआईसी ही कुछ और है? सो बैंक है, बैंक से रिलेटेड। कौन सा? आईओबी बैंक, 1000 शेयर्स एट 69 प्राइस। आईओबी इंडियन ओवरसीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या क्वांटिटी है और किस भाव पे, फिर से रिपीट करो मैम। 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 69 रुपीस। 69, और ये लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग का मन था? इन्वेस्टमेंट। भाईदी साहब, भाई लंबी अवधि के लिहाज से इन्वेस्टमेंट ग्रेड लगता है नहीं लगता इंडियन ओवरसीज बैंक, पहला सवाल। दूसरा, मैंने लंबी अवधि के लिए खरीदा था 69 पे, आज 62 पे खड़ा है, इस समय टेक्सचर और मूड माहौल कैसा लग रहा है, चार्ट्स पे कैसा है? जी आशीष जी, चार्ट पे तो कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, अगर आप मार्च से देखेंगे तो यही 69 का ही अपर एक बैंड बन गया और नीचे में 60 का जो जोन है 10 रुपए के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लग रहा है वापस ये 60 तक टेस्ट करेगा और वहीं से सपोर्ट लेके एक वापस बाउंस बैक दे सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो, 59 का एक एसएल रखे, क्योंकि अगर 59 टूटता है तो फिर शायद इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। जब तक ये 59 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वही रेंज में वापस एक बाउंस बैक देने की आशा है। इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, मैं आता हूँ बाकी क्वेरीज के लिए आपकी। लखनऊ से नेहा कटियार स्क्रीन पे। नेहा मैम हाय, क्या करते हो लखनऊ में आप? नेहा जी हाउसवाइफ। और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? दो मंथ हो गए। हाँ, दो दिन हो गए, दो मंथ। यार मुझे तो ऑडियो नहीं समझ में आ रहा किसी का। भाईदी साहब, आपको समझ में आ रहा है क्या? शायद दो महीना बोल रहे हो। दो महीना बोला आपने, भाईदी साहब समझ पा रहे हैं? आप तो सवाल ही दाग दो सीधे। क्या सवाल है पहला आपका? सर मेरे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के हैं 300 शेयर 190 के प्राइस पे। यार ये तो गिर रहा है और इसका टेक्सचर भी देख के अच्छा नहीं लगता। भाईती साहब, भाई इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्या करना चाहिए? 30 रुपए खरीद भाव से। ये नया मैम लंबी अवधि के लिए था, ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, फंस गया मामला सर, ट्रेडिंग के लिए था। कहाँ स्टॉप लॉस वॉप लॉस तो खैर होगा ही नहीं इसका मतलब। भाईती साहब आप क्या कोर्स करेक्ट कैसे करें भाई, 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। जी आशीष जी, काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, इनफैक्ट इसी रीजन से इसे जो एफएनओ से भी शायद एग्जिट करवा दिया गया था, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और एक वाइल्ड स्विंग्स काफी देखने मिलते हैं, तो काफी हाई बीटा स्टॉक है। हमारी सलाह रहेगी कोई भी इन्हें बाउंस बैक मिलता है, शायद इनका जो भाव वहां तक तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन अभी 170 तक का भी जोन मिलता है तो एक बार एग्जिट कर ले इस पोजिशन से, और नीचे अगर होल्ड कर रहे हैं तो 155 का एक स्टॉक लॉस जरूर रखे इसमें। स्ट्रिक्ट है भाई, 158 पे खड़ा है, 155 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। उम्मीद करिए कोई बाउंस बैक आए तो आपके भाव का इंतजार मत करिएगा, 170 के आसपास निकल जाइएगा। ये अपने लिए स्टॉक है नहीं, अवॉइड है, एग्जिट है। नेहा मैम, लॉस में ही काट के निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। पुणे से मनाली अपनी तो मुलाकात हो चुकी है ना? हाँ सर। यस मनाली, हाय, वेलकम बैक ऑन द शो, कैसे हो आप? नमस्ते सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मनाली। एक बार रिविजिट करें, क्या करते हो मनाली आप पुणे में? सर मैं यहाँ पे हस्बैंड की जॉब के वजह से हूँ। नहीं करते, होम मेकर हो आप? हाँ। ओके, और स्टॉक मार्केट में खुद ही बिजी रहते हो दिन भर? हाँ। ओके मनाली, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पहला सवाल कोफोर्ज पे है। मेरे पास 79 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 5384। तो मुझे CNBC पे कॉल आया था, इस वजह से मैंने परचेस किया था, बट उसके बाद से ये थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, बट वो जो 10% का कट हुआ था रिजल्ट के बाद, अभी तो बहुत लॉस में चल रहा है, तो इसका कुछ मतलब सुधार में आ सकता है क्या? कितने दिन है? तो मनाली, ये आवाज पे किसी ने पिक दी थी? हाँ सर। स्टॉप लॉस दिया था? ये गड़बड़ है ना, अब वो रिजल्ट तो किसी ने भापा नहीं था, बाकी रिजल्ट दिक्कत में थे, रिजल्ट से ज्यादा वो एक्विजिशन का सरदर्द ज्यादा आ गया, दोनों मिलके दिक्कत कर गया। पर भैती साहब, सुना तो था मैंने MD CEO को, वो तो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, शायद बाजार उनका कहना समझ नहीं पाया है हमने जो एक्विजिशन करा है, किस तरह से ज्योग्राफीज, किस तरह से वर्टिकल्स ऐड करेगा, खैर वो समय बताएगा। कोफोर्ज अब करा क्या जाए, ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ माल 1000 रुपए का लॉस हो गया है। जी आशीष जी, सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ, जिस हिसाब से थर्ड में को 10% के करीब गिरा था स्टॉक,
वो थोड़ा सा कंसर्निंग बन गया है, क्योंकि अहम सपोर्ट जोन था उसे भी तोड़ता हुआ देखने मिला है। हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करे इस पोजिशन को, थोड़ा सा इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं तो ऐड भी कर ले। यूजुअली एवरेजिंग की सलाह नहीं देते हैं, बट कोफोर्ट जैसे अच्छा स्टॉक है वहां थोड़ी सी एवरेजिंग की जा सकती है। और अगर कोफोर्ट में नहीं भी कर रहे तो आईटी में इंफोसिस में जरूर पोजिशन ऐड की जा सकती है, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आईटी में अब यहाँ से एक बॉटम आउट देखने मिल सकता है और यहाँ से वापस एक अपस्विंग 2 से 3 क्वार्टर में लगेंगे, लेकिन एक वापस अपस्विंग देखने मिल सकता है। और स्टॉक के सारे अपने रीसेंट हाइज जो है 52 वीक हाइज 2 से 3 क्वार्टर में वापस दिखा सकते हैं, तो होल्ड करें कोफोर्ट्स को। आईटी के हालात इम्प्रूव हो सकते हैं यहाँ से, और आईटी आमतौर पर सेक्युलर मूव्स देता है, तो चाहे तो इन लेवल्स पे कोफोर्ट्स को ऐड कर लें तो आपकी औसत बाइंग प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, एल्स इन्फोसिस को यहाँ से लॉन्ग कर लें तो वो भी मदद कर देगा, अच्छे मूव्स डिलीवर कर देगा। खैर कोफोर्ट्स होल्ड है आपके लिए मैम, और अगर डिप्लॉय कर सकते हो तो फर्दर फंड्स भी चाहो तो डिप्लॉय इन लेवल्स पे किए जा सकते हैं। पल्लवी मैम हमारा अगला सवाल। यस सर, डीएलएस 110 शेयर्स एट 890 प्राइस। ये लंबी अवधि के लिए लिया है मैम? यस सर, लॉन्ग टर्म। ये दिल्ली वालों के पास बहुत पैसा आ गया है क्या? डीएलएफ कुछ प्रोजेक्ट निकालता नहीं है, इतने महंगे महंगे फ्लैट बेचता है, सब रातों रात बिक जाते हैं। यस सर, तभी लिया शेयर। गजब रखा है दिल्ली में माहौल। आज ही इन्होंने बेहती साहब मुंबई के अखबारों में छाप दिया है 2 पन्ने का कि थैंक यू वी आर सोल्ड आउट। एक उन्होंने अभी प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, एक हफ्ते में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड ऑफ, और वो एवरेज टिकट प्राइस तो गजब था उस प्रोजेक्ट का। खैर मेरी खरीद से तो नीचे ही चल रहा है 35 रुपये। लंबी अवधि के लिए कैसा है डीएलएफ? 890 की खरीद है जी। आशीष जी स्टॉक काफी अच्छा है, जिस हिसाब से कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रहा है, और इनके जो प्रोडक्ट्स है फ्लैट्स में वो भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। 2 दिन पहले भी एक न्यूज आई थी जिसमें 800 फ्लैट का उन्होंने बोला था कि इमिजिएटली सोल्ड आउट हो गया पूरा प्रोजेक्ट। हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इनके, बहुत तो आराम से इन्हें देखने मिल जाएंगे, और एक फ्रेश हाई जो 950 का है वो भी पार करता हुआ इजिली देखने मिल सकता है ये स्टॉक। 2 से 3 क्वार्टर देना पड़ेगा इसमें, 1000 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पोजीशन में, वो 830 का कैसे मेंटेन करे और होल्ड करे डीएलएफ को। नेहा मैम अगला सवाल। तो मेरा अगला सवाल है डीवी रियल्टी का 250 रुपए की प्राइस पे 300 शेयर। 250 पे 300 शेयर्स डीबी रियल्टी स्टॉक दिखाइए क्विकली यार। बैदी साहब क्या करना चाहिए भाई? 60 रुपए खरीद भाव, 250 बोला इन्होंने तो इनके लिए हो गया 40 रुपए खरीद भाव से नीचे, क्या करना है बैदी साहब? जी आशीष जी, ये भी थोड़ा सा वो इन्वेस्टेबल ग्रेड शेयर नहीं है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप हमने इसमें देख लिया ऑलरेडी। जो स्टॉक लास्ट ईयर जून तक 80 रुपए के करीब चल रहा था, 250 तक का मोमेंटम दिखा दिया है। हमें लग रहा है कि यहाँ से शायद इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, तो एक स्टॉप लॉस रखे 192 का, और कोई पुल बैक आता है तो इसमें से भी एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है। नेहा थोड़ा सा अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और अगर मोमेंटम ट्रेडिंग वेडिंग का मन था उसको चेस करो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना, प्लीज ध्यान रखो। मनाली मैम अगला सवाल। सर मेरे पास एलएनटी के शेयर्स है 130 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3701। तो सर ये मैंने अच्छा ही चल रहा था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, कल हुआ था उसके बाद से बहुत लॉस में हुआ अभी। नहीं आपके दोनों ही स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम से झटके पड़ गए, दोनों अच्छी पेडिग्री है, कुफोर जो लास्ट एंड टू ब्रो भाई साहब लेलेंटी। अच्छा दूसरा सवाल, अभी मैं YouTube लाइव कर रहा था उसमें ये लोगों का आ रहा था इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए घुस जाए क्या, उनके लिए भी सवाल का आंसर कर दीजिए। और मनाली जो फंस गई है 400 रुपए नीचे लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, क्या करें? जी आशीष जी, इनफैक्ट अगर जिनको लंबी अवधि के लिए लेना है तो बहुत अच्छा जोन है ये वापस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 दिसंबर 2023 के लो के करीब ये वापस अवेलेबल है। फेब में भी इन्हीं जोन पर आया था और यहीं से एक बाउंस बैक देके इसने फ्रेश हाइज बनाए थे 3800+ के जो जोन दिखे थे, तो इन लेवल्स पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। जो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो एग्जैक्टली इसका 200 डेमा जो है 3220 वहां पे एक एसएल रखे। मैं लग रहा है कि ये 1-2 दिन की गिरावट है, नंबर्स का एक नीचे रिएक्शन है, इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, और इससे 3600 तक का भाव
शायद इस सीरीज या अर्ली मिड ऑफ द मंथ नेक्स्ट मंथ में देखने मिल सकता है। आप तो फिर इसका मतलब होल्ड ही करिए, ये तो फ्रेश वालों के लिए है कि घुसना जाए तो घुसे। बैती साहब इनके लिए होल्ड है, इनके भाव पे आ जाएगा आज नहीं तो कल, है ना? बका ठीक है, पेडिग्री भी वैसी है। बैती साहब अच्छा क्विकली आपके पिक्स आज के, वो गायत्री साहब जरा SBS स्टॉक पिक्स का स्टिंग तो दिखा दो यार एक बार। बैती साहब बताएं आप। आशीष जी पहला जो स्टॉक रहेगा वो GMR इंफ्रा का रहेगा। थोड़ा सा पोजिशनली ये कॉल है क्योंकि जिस हिसाब से इसमें 3-4 दिन की गिरावट आई है, ऐसी क्या भाव पे वापस ये स्टॉक अवेलेबल हो गया है और एक अहम सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है और 86 तक का जोन इसमें वापस देखने मिल सकता है। तो GMR इंफ्रा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 79 का स्टॉप लॉस है और 86 के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है बायोकॉन का। आज ऊपर से थोड़ा सा नरम पड़ गया है, फ्लैट हो गया है, बट इसका सेटअप भी काफी अच्छा बना हुआ है, इसको भी खरीदारी की जा सकती है। 300 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें और 320 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ब्यूटीफुल, रखिए भाई ये दोनों इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स रडार पे। इस नोट पर मनाली मैम, नेहा मैम, पल्लवी जी थैंक यू सो मच प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए और बहती साहब थैंक यू फिर से जुड़ के बढ़िया तरीके से हम लोग की क्वेरी सॉल्व कराने के लिए। ब्रेक ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। आपका स्वागत है। मन तो नहीं कर रहा, लीजिए दिखाई दिया डायरेक्टर साहब ने, मैं कहने रहा था मन तो नहीं कर रहा दिखाने का पर दिखाना पड़ेगा। निफ्टी 1% अब कमजोर, 22,100 के नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और अभी अभी कुछ मिनटों पहले बहिती साहब से चर्चा हो रही थी, ये दायरा खुल गया है नीचे की तरफ 21,950 का, उसी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं हम लोग। इस समय जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स दबाव में आए, कोल इंडिया दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे, इंट्राडे चार्ट्स, डॉक्टर रेड्डी जो खराब नंबर्स के बाद आज फिर दिक्कत में आ गया है, ये देखिए। मारुति सुजुकी लॉन्च है आज तो स्विफ्ट की नई, उसके बीच में एकदम से तगड़ा कट। इसमें अपने आउटकम से पहले BPCL दिखाइएगा स्क्रीन पे। ब्रिटानिया जो मिले जुले नंबर्स पे बहुत चल गया था उस दिन वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स पे, आज पूरे दिन सल्क करता ही चले जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन आज के शो को यहीं समेटते हैं, समय हो गया है। अब आपसे मंडे को साजबो सनसेक्स में मुलाकात होगी 12:27 पे। कल मिलेंगे अपन इसी समय 12:27 पर आवाज़ के स्पेशल के साथ। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।